हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बहुत फ्लैश में चल रहा है जो ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर। सो रियली बहुत दुखी का बात है। देखिए, अगर कोई एक जन का भी कुछ हो जाता है, जैसे डेथ हो जाते हैं, सो बहुत मुश्किल की बात है। आप सोच के देखिए। सो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक का नियरली 288 जन का डेथ हो चुका है इस ट्रेन एक्सीडेंट का वजह से। सो बहुत सोचने का बात है। ऐसा भी फील हो रहा है कि भगवान है या नहीं, ऐसा करके फील हो रहा है। आप सोच के देखिए। सो अभी थोड़ा देर पहले इंडियन एक्सप्रेस के जो रिपोर्ट के हिसाब से, जो इंक्वायरी के हिसाब से, उसमें बताया गया है कि सिग्नल एरर के वजह से ये एक्सीडेंट हो सका है, मतलब पॉसिबल है, होने के चांसेस है, पॉसिबल हो सकता है। एक्चुअली हुआ क्या है इस पर, टोटली तीन ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है। तो इस पर फर्स्ट हुआ क्या है, तीन ट्रेन है। पहले एक देख लीजिए, एक तो गुड्स का ट्रेन है जिसमें सामान वामान ट्रांसफ़र होता है, और एक आपका चेन्नई से निकलती है और वेस्ट बंगाल के लिए, चेन्नई टू वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से चेन्नई। तो इस रूट के बीच में चलती है कोरोमंडल एक्सप्रेस। सेम लाइकवाइज और एक जो ट्रेन है वो बेंगलोर से वेस्ट बंगाल के लिए चलती है, उस रूट पे हौरा एक्सप्रेस। तो इस पे हुआ क्या है, जो गुड्स का जो ट्रेन है वो ऑलरेडी ट्रैक पे रुका हुआ है, और जो ट्रेन वेस्ट बंगाल से चेन्नई आती है कोरोमंडल एक्सप्रेस, आने के मतलब जो ट्रैक में आती है, वो ट्रैक में आने से में उसे सिग्नल आके, ग्रीन सिग्नल था, वो देख कर ट्रेन आके क्रॉस हो गया। क्रॉस होने के बाद में फिर वो ग्रीन सिग्नल को ऑफ करके रेड सिग्नल दिया गया है, एज पर द इंडियन एक्सप्रेस के जो रिपोर्ट है, मैं स्क्रीन में डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा। तो उस छोटा से गलती का वजह से आप सोच के देखिए, कोरोमंडल एक्सप्रेस को सिग्नल दिया है ग्रीन सिग्नल, उसके वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस सेम स्पीड में उस ट्रैक में पार हो गया है, और उसी ट्रैक पे थोड़ा से आगे पे आपका गुड्स वाला ट्रेन खड़े हैं। एक ट्रेन खड़ा है गुड्स वाला, और यहाँ से कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई के लिए आती है वेस्ट बंगाल से। तो जैसा ये देखिए गुड्स वाला ट्रेन है, तो आप सोच के देखिए इसमें कितना गुड्स आके स्टोर हुआ है, मतलब कितना वेट रहेगा, यानी कि एक दीवार का तरह खड़ा है, और उसमें आके ये ट्रेन बहुत स्पीड से आके मारती है। आप सोच के देखिए, ये ट्रेन का ऊपर, गुड्स वाला ट्रेन के ऊपर में कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन फुल चढ़ गई। तो ये जो इम्पैक्ट है, तो आप सोच के भी नहीं देख सकते हैं, इतना जो झटका लगेगी उसमें आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। देखिए अभी जो स्लीपर कोच है, जो भी कोच है, उसमें ऑपोजिट ऑपोजिट में क्या रहता है, आपका सीट्स रहता है, इतना बड़ा इम्पैक्ट में वो सीट वाला, मतलब वो जो ऑपोजिट सीट में बैठे हैं वो सब आके इस तरफ के सीट में अगर उतना ज़ोर से भी लगते हैं तो उनको कितना चोट लग सकती है, ये मतलब इमेजिन करके देखने से आपको पता चलेगा कि कितना चोट लगा होगा उनको। तो इसका वैसे इंजन तो चढ़ गया है, और बाकी जो कोचेस है वो सिर्फ वो क्या क्या, मतलब बहुत सारा ट्रैक्स रहती है, जो भी मतलब पैरेलली बहुत सारा ट्रैक्स रहते हैं, वो क्या, वो बगल वाला ट्रैक पे पलटी हो गया जो बाकी कोचेस था। ये तो हो गया, ठीक है, फर्स्ट ट्रेन एक्सीडेंट। इसके बाद तुरंत आके थोड़ी देर बाद में आपको जो हौरा एक्सप्रेस है वो बेंगलुरु से वेस्ट बंगाल जा रही है ऑपोजिट ट्रैक में, वो आता है, और उसी ट्रैक पे आके इसका जो बॉक्सेस है कोरोमंडल एक्सप्रेस का, जो बाकी कोचेस का जो बॉक्सेस है वो उस ट्रैक पे पड़ा है, और वो ट्रेन उस पे मार के उसमें भी बहुत सारा जन को चोट लगी हुई है। आप सोच के देखिए, एक छोटा से सिग्नल एररिंग का वजह से कितना बड़ा एक्सीडेंट, ये लगभग आके पास्ट 20 ईयर्स में इस तरह का एक्सीडेंट, इतना बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ नहीं है। सो रियली ये बहुत मतलब दुखी का बात है कि ऐसा हुए। तो इसके वजह से अभी भी बहुत सारे लोग को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हो सकते हैं ऐसा बता रहे हैं, मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं है अभी, सब फुल क्लियर ही नहीं हुआ है। जब तक पूरा बॉक्स सब नहीं उठाएंगे तब तक पूरे ट्रैक से काम वाम चल रहा है, बहुत सारा CM और PM सब अभी आज आए हैं। तो इसके वजह से और भी इसके पूरे इंसिडेंट के ऊपर में चर्चा चल रही है,
अभी देखते हैं और क्या क्या बाहर आता है, क्या क्या वजह से। तो बहुत दो 288 पीपल बोलने से इट्स नॉट से सिंपल थिंग। आप सोच के देखिए, 200 288 पीपल्स बोलने से मजाक मत, और भी 900 जन से ऊपर में जो अभी हिसाब में हैं वो 900 बता रहे हैं। 900 लोगों ने बहुत चोट लगी हुई है, अभी देखने का बात है अभी क्या हो रहा है, देखेंगे अभी। सो भगवान से यही प्रार्थना है कि उनको जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और जिसका मृत्यु हो चुकी है उनका फैमिली को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे चैनल की ओर से। तो जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि ऐसा भी हुआ है, आज ऐसे भी जन हैं जो मतलब उतना न्यूज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सो इस तरह का न्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है, तो उन तक भी जाइए ताकि उनका भी कंडोलेंस उन फैमिली तक जाइए जिनको इफ़ेक्ट हुआ है इस एक्सीडेंट के थ्रू। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।